2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट हुई लॉन्च, 7 लाख से भी कम में मिलेगा लग्जरी कार का मजा। नई स्विफ्ट का नया 1.2 लीटर जेड सीरीज इंजन 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एंड गियर बॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जो 82 अश्वशक्ति और 112 न्यूटन मीटर का आउटपुट जेनरेट करता है। मारुति स्विफ्ट न्यू जनरेशन 2024। फोर्थ जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 6.49 लाख रुपए से शुरू होकर 9.65 लाख रुपए तक जाती है। पिछले मॉडल की तुलना में नई स्विफ्ट में एक एवोल्यूशनरी डिजाइन, ज्यादा फीचर्स, एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स और ज्यादा एफिशिएंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। नई मारुति हैचबैक की कीमतें अब पहले के मुकाबले 25,000 रुपए से 37,000 रुपए ज्यादा है। कीमत और मुकाबला। नई स्विफ्ट के LXIMT की कीमत 6.49 लाख रुपए, VXIMT की कीमत 7.30 लाख रुपए, VXIANT की कीमत 7.80 लाख रुपए, VXI0MT की कीमत 7.57 लाख रुपए, VXI0AMT की कीमत 8.07 लाख रुपए, ZXIMT की कीमत 8.30 लाख रुपए, ZXIAMT की कीमत 8.80 लाख रुपए, ZXI-AMT की कीमत 9.00 लाख रुपए और ZXI-AMT की कीमत 9.50 लाख रुपए, सभी कीमत एक्स शोरूम है, जबकि इसके ड्यूल टोन ऑप्शन के लिए 15,000 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। स्विफ्ट के मुख्य कंपटीटर्स टाटा टियागो और हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज की एक्स शोरूम कीमतें क्रमशः 5.65 लाख रुपए और 5.92 लाख रुपए से शुरू होती हैं, जबकि नई स्विफ्ट की शुरुआती कीमतें थोड़ी ज्यादा है। जबकि टाटा और हुंडई की इन हैचबैक की रेंज टॉपिंग पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन की कीमतें क्रमशः 7.95 लाख रुपए और 8.56 लाख रुपए है, जो कि नई रेंज टॉपिंग स्विफ्ट वेरिएंट से काफी कम है। पिछले मॉडल से मिलती जुलती है नई मारुति स्विफ्ट। नई स्विफ्ट की डिजाइन लैंग्वेज मौजूदा मॉडल जैसी ही है, लेकिन इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें एक नया फ्रंट बम्पर, नए डिजाइन का रेडिएटर ग्रिल, नए आकार की हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स, ट्रेडिशनल रियर डोर हैंडल, नए एलॉय व्हील डिजाइन और सी शेप पैटर्न वाले नए टेल लैंप शामिल हैं। हालांकि नई स्विफ्ट का व्हील बेस अपने पिछले मॉडल के समान ही 2450 मिलीमीटर है, लेकिन नई हैचबैक 15 मिलीमीटर लंबी, 40 मिलीमीटर कम चौड़ी और 30 मिलीमीटर ऊंची है। लुक और कलर ऑप्शंस। नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट 3 ड्यूल टोन पेंट और 2 नए नीले और लाल रंगों सहित 9 एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है। मारुति स्विफ्ट के साथ रेसिंग रोडस्टार और थरिल चेजर एक्सेसरी पैकेज भी दे रही है। रेसिंग रोडस्टार में बाहर और अंदर स्पोर्टी कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जबकि थरिल चेजर में मारुति ने एनर्जेटिक एक्सटीरियर और अट्रैक्टिव इंटीरियर स्टाइलिंग में बदलाव किए हैं। नई मारुति स्विफ्ट अप मार्केट और बेहतर फीचर्स से लैस है। इंटीरियर और फीचर्स। नई स्विफ्ट का इंटीरियर आउटगोइंग मॉडल के केबिन से ज्यादा प्रीमियम दिखता है, और इसमें एक बड़ा फ्लोटिंग 9 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है, जो नए टेक्सचर डैश पर सेंटर स्टेज लेता है। सीटों में पूरे रेंज में नए फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, रीस्टाइल किए गए सेंट्रल एयर कॉन वेंट, नया HVAC स्विच गियर और 4.2 इंच डिजिटल मिड के साथ अपडेटेड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। टॉप स्पेक स्विफ्ट ZXI जोड़ में बताए गए सभी फीचर्स मौजूद हैं। एंट्री लेवल स्विफ्ट LXI भी इस बार ज्यादा फीचर्स से लैस है, जिसमें 6 एयरबैग, आइसोफिक्स एंकर, रियर पार्किंग सेंसर, ABS के साथ ही BD और ESC जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी किट शामिल हैं। हालांकि हिल स्टार्ट असिस्ट केवल ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ उपलब्ध है। नया इंजन और माइलेज। पुराने के 12 यूनिट की जगह नए Z12E इंजन के साथ स्विफ्ट न केवल 3 कैम्पल ज्यादा किफायती है, बल्कि यह भारत की सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैचबैक में से एक है। यह 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से 24.8 कैम्पल -25.75 कैम्पल के माइलेज आंकड़े इसे वैगन आर 24.35 कैम्पल -25.19 कैम्पल, ऑटो K10 24.39 कैम्पल -24.9 कैम्पल और एस्प्रेसो 24.12 कैम्पल -25.3 कैम्पल जैसे 1.0 लीटर मॉडल की तुलना में ज्यादा किफायती बनाते हैं। हालांकि मारुति की सेलेरियो 24.97 कैम्पल -26.68 कैम्पल, ग्रैंड विटारा और टोयोटा की हाईराइडर अभी भी ज्यादा माइलेज देने में सक्षम है। नई स्विफ्ट का नया 1.2 लीटर जेड सीरीज इंजन 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एंड गियर बॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जो 82 अश्वशक्ति और 112 न्यूटन मीटर का आउटपुट जेनरेट करता है, जो कि मौजूदा स्विफ्ट की तुलना में 8 अश्वशक्ति और 1 न्यूटन मीटर कम है।
मारुति का ये भी दावा है कि नई स्विफ्ट 12% तक कम उत्सर्जन करती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।